हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज मैं एक कैक्टस की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा कैक्टस है नहीं, हाँ, बट कभी कभी मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो आई बाय इट। एंड मैं पैकिंग ठीक ठीक है, ओके है, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड, मीडियम आई कैन से। और सीधा इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने मंगवाया है ओपनशिया एसिक्यूलाटा। सो पैड टाइप ये ग्रो होता है पैड्स में। एंड मुझे एक्चुअली मतलब कोई भी प्लांट हो ना, मुझे मिनिएचर प्लांट ज़्यादा पसंद नहीं आते, कि उसके बजाय अगर प्लांट साइज़ गुड साइज़ हो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे कैक्टस का साइज़ पिक्चर्स में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ये बाय कर लिया। और अभी देखते हैं कि एक्चुअल में ये साइज़ कैसा है, कितना है। और ना मतलब कैक्टस में कुछ लगाने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आती, कोई झंझट नहीं, कोई सेंसिटिव वगैरह प्लांट्स नहीं है। अपना आए, आप लगाओ इसको, फंगीसाइड डालो अच्छे से बस, और ये कुछ दिन में रूटिंग करके अपना बढ़िया से ग्रो होने लगते हैं। सो मैंने जब ये पिक्चर देखी थी, सर ने बोला था ये 12 इंच पॉट में है, सो आई थिंक वो राइट था सेलर प्लांट का साइज़, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो कांटे घुसने भी शुरू हो गए, ये देखो इतना बड़ा कांटा घुस गया है। तो थोड़ा ध्यान से, एंड गाइस प्लीज़ प्लीज़, मैंने ग्लव्स पहले भी बाय करे हैं बट कोई अच्छा ग्लव नहीं मिल पा रहा है कैक्टस को हैंडल करने के लिए। अगर किसी को पता हो कि अच्छा ग्लव्स कहाँ से बाय कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर। ओह शर्ट, ये तो बहुत ही स्पाइनी है, बहुत सारे कांटे घुस गए एक साथ। सो अगर किसी को भी पता हो कि एक अच्छा ग्लव कहाँ से मिलेगा तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे साथ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर। शिट मैन, शिट, मैंने सोचा कि पेपर ले लूँ और पेपर से उठा लूँगा, तो पेपर में भी इतने सारे कांटे थे और सब मेरी सारे फिंगर्स में घुस गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये देखो, ये फोकस हुआ था अभी। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा थॉर्नी वैरायटी है एंड बिल्कुल भी ग्लव्स के बगैर ये हाथ लगाया नहीं जा रहा। सो मैंने क्या करा है, मैंने ये नीचे न्यूज़पेपर लगा दिए एंड मैं जस्ट अब इसको इस पर पलट दूंगा आराम से। बहुत एक्चुअली एक हाथ में कैमरा भी होता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये देखो, साइज़ तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब मुझे बहुत सही लगा। छोटा सा प्लांट लेने से बढ़िया थोड़ा बड़ा लो तो अच्छा चलता है प्लांट। अब एक्चुअली ना मैं इसको इस सेंटर बेस मीडिया में लगा दूंगा। एंड मैं तो देखो अपने कैक्टस मिक्स में अभी समर सब स्टार्ट है तो मैं थोड़ी बहुत कोको चिप्स ऐड करता हूँ, बिकॉज क्या है, आपको वाटरिंग इतने ज़्यादा प्लांट्स होते जा रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो वाटरिंग फिर स्केड्यूल भी मेनटेन करना पड़ता है। तो थोड़े बहुत कोको चिप्स से क्या होता है कि आपकी थोड़ी वाटरिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो प्लांट अच्छा है और ऊपर ग्रोथ भी आप देखो। सो अभी इसको रिपोर्ट करके मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ये सेंट्रल बेस मीडिया में लगा दिया। मैंने तो कोको चिप्स भी ऐड करे हैं अपने पॉटिंग मिक्स में, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर पाऊँगा आगे आगे। तो एंड ना ऊपर से अभी इसको आज हम वाटर नहीं देंगे, उसकी वजह ये है कि देखो हमारे ये मीडिया जो है ये पहले ही मॉइस्ट है, तो आज के दिन फर्स्ट डे आपको वाटर देने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप छाव में रख देंगे प्लांट को। नेक्स्ट डे आप लिटल मिस्टिंग शुरू करेंगे प्लांट को और तब भी आप 2 दिन तक सनलाइट में नहीं ले जाएंगे। उससे होता क्या है कि आपकी रूट्स जो है फीडर रूट्स और बेसिक रूट्स इसकी फिर से शुरुआत होने लगती है।
वो धीरे धीरे फिर हम इसको सन दिखाएंगे, थोड़ा जैसे दिन में आपने 2 घंटे धूप माइल्ड सन में रख दिया सुबह सुबह के, ठीक है, तो ऐसे बढ़ाते धीरे धीरे हम इसको सन ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम इसको प्रॉपर वाटरिंग भी कर सकते हैं और ये आपका प्लांट अच्छा चलेगा। और फंगीसाइड मैंने जो है पॉटिंग मिक्स में ही ऐड कर दिया था, तो फंगीसाइड दोबारा डालने की है फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। 20 डेज़ बाद आप उसको दोबारा फंगीसाइड वाटर स्प्रे कर सकते हैं इसके अंदर और प्लांट अच्छा चलेगा, नो डाउट। कैक्टस में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, बट आप मेरे को ये बताना कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ मेरे को इस प्लांट ने एक्चुअली में बता दिया, पंशिया में वैसे सब में यही प्रॉब्लम है क्योंकि स्पाइंस बहुत जल्दी मतलब चिपक जाते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर बताना अगर किसी को पता है कि अच्छे ग्लव्स कहाँ से मिलेंगे, तो प्लीज़ ग्लव्स का आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइए प्लीज़।